आशुतोष। ऋण हो गया चूखे के, एक बेर और बेर का भी एक अंदर का फल, अंदर का बीज, उसका भी घिसकर भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए बेर का मात्र उस गुठली में इतना बल हो जाता है कि उसको भी समझना लोगों के मुश्किल का विषय। चढ़ी हुई बेलपत्र, आज का चढ़ा हुआ गेहूं का दाना, गेहूं का दाना, जिसका मकान नहीं बन रहा, प्लाट नहीं है, खुद का मकान नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, खुद का फ्लैट नहीं है, खुद का कोई साधन नहीं है, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहा है और चाहता है कि मुझे कुछ मिले। आज प्रदोष, शुक्रवार का प्रदोष और शुक्रवार की ही शिवरात्रि, प्रदोष शिवरात्रि बहुत विशेष मायना रखती है। दुनिया के लोगों को भले वो लग रही होगी कि केवल शिवरात्रि है, उसको समझ। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, बाली जानते हो गेहूं के दाने की बाली होती है, गेहूं के दाने की बाली। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, गेहूं के दाने की बाली, मात्र शंकर जी पे चढ़ी हुई बाली को उठा लिया जाता है और बाली में से 12 दाने निकाल लिए जाते हैं, गेहूं के 12। बाली नहीं होती है तो गेहूं के 12 दाने भगवान शंकर को समर्पित किए जाते हैं और उसको उठा लिया जाता है। आज से प्रारंभ होता है तो 12 दानों में से आज प्रथम शिवरात्रि को मानकर उसमें से एक दाना शंकर को चढ़ा दिया जाता है, 11 दाने रख लिए जाते हैं। प्रत्येक महीने आने वाली शिवरात्रि पर एक दाना शंकर भगवान को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। अगले साल शिवरात्रि पर बात करेंगे कि प्लाट जमीन जायदाद मिली कि नहीं, मकान मिला कि नहीं मिला, खुद की प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई, अगले शिवरात्रि पर बात करेंगे इसी भूमि पर, यही कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर। एक बाली में भी, गेहूं की एक बाली में 12 दानों में भी वो बल होता है जो बल शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को समर्पित किया गया, वो दानों में भी बल है भगवान शंकर। प्रयास करना, कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, जरा प्रयास करना एक बार, प्रैक्टिकल करके जरूर देखा करो, महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करो, आज से चालू करो और तुम्हारे नगर में तुम्हारे गांव में हम भी कथा करने के लिए जरूर आएंगे, और आएंगे तो बताना कि बाबा ने दिया कि नहीं, बताना जरूर, बिगर बताए रहना मत, जितने इतने पत्र तुम भेज रहे हो हमारे को वहां पर भी भेज दे कि बाबा दिया कि ना दिया, यहीं से शुरुआत आप करो। अपने अपने जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे, दिया कि 12 दाने पूर्ण करो, मेरा शंभू दिए बिगर रह नहीं सकता। शिवरात्रि के दिन उसको नहीं मालूम था शिकारी को, उसको तो कर्जा चुकाना था केवल का, उसको क्या मालूम है कि शिवरात्रि का महत्व क्या है। ये शिवरात्रि की कथा कर रही है, शिवरात्रि करती क्या है? भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव आता है जन्माष्टमी, तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। रामनवमी आती है तो राम जी का जन्म हुआ। दशहरा आता है, रावण का वध हुआ। शिवरात्रि का मतलब क्या है? शिवरात्रि की मूलता क्या है? केवल शंकर पार्वती का विवाह, केवल शंकर भगवान के शिवलिंग का प्रागट्य, केवल भगवान शंकर की आराधना, रात्रि का मतलब है एक भक्त के लिए भगवान उस रात्रि को उसका कर चुकाने के लिए, उसका ऋण चुकाने के लिए उसके पांव से गिरी हुई बेलपत्र को भी स्वीकार कर लेते हैं वो शिवरात्रि। केवल आप कितने भी बेर खा लो, आप कितने भी बेर
किल वो क्या बनाते हैं उसको, पानी में उबाल कर नमक मिर्ची डाल के, हाँ क्या बोलते हैं उसको, फेंक दो, हलद दो, जो भी बनाते हैं वो आप खा लें उसको, कितना ना पर शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ एक बेर भगवान शंकर को जो तुमने बेर समर्पित करा है, या शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को जो तुमने बेर दिया है, उस बेर को चढ़े हुए बेर को यदि आप तम 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 और कोई बच्चा माइंड से बुद्धि से भी विकलांग है, उसको लग रहा है कि इसकी बुद्धि पूर्ण तरह से काम नहीं कर रही, लग रहा है कि इसका विवेक काम नहीं कर रहा, कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि बड़ा होने पर भी 12-13 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, उसकी रांग टपकती रह रही है, माइंड काम नहीं कर रही, बुद्धि काम नहीं कर रही, विवेक काम नहीं कर रहा। जैसे शंकर भगवान की महाशिवरात्रि जो आज की है, रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर चढ़ाए गए अच्छा शहद, शुद्ध शहद, जिसके नेत्रों में रोग होता है, हमारे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे शहर में भी सीहोर के भी लोगों से आप पूछेंगे कि राघव पहले आंखों में चश्मा पहनते थे और उसके फोटो भी टीवियों पर डले होंगे, यूट्यूब वगैरह, केवल शिवरात्रि का शहर शंकर को चढ़ाया गया, उसको उतार लिया गया, आंखों में लगाना प्रारंभ करा, थोड़ा जलन होता है, थोड़ी तकलीफ होती है, पर धीरे 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 उन नेत्र की ज्योति को 12 ज्योतिर्लिंग की ज्योति के बराबर केंद्रित कर देता है। उसी तरह शंकर भगवान पर आज शिवरात्रि के दिन चढ़ाया गया बेर, बेर बोल लो, बोर बोल लो, जो तुम भाषा में बोल सकते हो, वो तुम जा। बेर जिसमें गुठली होती है, जो बच्चा माइंड से तकलीफ में होता, राय टपक रही है, बहुत उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है, उसका माइंड काम नहीं कर रहा और बहुत उसका ध्यान नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रहा, डॉक्टरों का भी इलाज चल रहा है, तो एक प्रयास तुम भी करना, 12 आज महाशिवरात्रि के दिन का चढ़ा हुआ बैल वो बेर उसको उठा ले, और उस बेर के ऊपर की जो भाग होता है उसको भले तुम प्रसाद समझकर खा ले, मना नहीं, पर बेर के अंदर की जो गुठली होती है उस गुठली को घिसकर उसका चंदन प्रतिदिन बना, प्रतिदिन उस गुठली को घिसकर चंदन बनाना है, और चंदन को बनाकर भगवान शंकर का चाहे पंचाक्षर मंत्र हो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर मंत्र हो ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको बोलकर उस बच्चे को सुबह सुबह उस बच्चे को खिलाना प्रारंभ करिए। 15 दिन 20 दिन 22 दिन में बच्चा कितना भी राल टपका रहा हो, चाहे उसका विवेक केंद्रित नहीं हो पा रहा हो, ऐसा लगता है कि जैसे पागलों जैसा व्यवहार कर रहा, धीरे धीरे उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है, उसका विवेक काम करना प्रारंभ, वो बेर में इतना दम है, शिवरात्रि के दिन एक बेर में इतना दम हो सकता है, तो विचार करिएगा कि शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए शंकर के जल में कितना बल हो सकता है, कितना दम।